सो हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पोकेसाइल। आप लोग सोच रहे होंगे तू तो क्यूट कर रहा था, कहाँ से आ गया। तो माफ़ करना, मैंने क्यूट करने की आपको वो दी थी ताकि आप लोग मेरे 500 करा दो, पर 500 नहीं हुए तो मैंने सोचा चलो इसी बात पे वीडियो बनाना चाहिए। और फालतू का घसीटता बहुत टाइम ना लेते हुए हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एस ऑल फ्रेंड फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे सभी फ्रेंड्स के फैक्ट जानने वाले हैं और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ऐसे इतने सारे दोस्त हैं कि एक ही वीडियो में आना असंभव है। 500 जैसे ही होंगे पार्ट टू आ जाएगा। तो मेरे चार्ली इंट्रो लगा दे दोस्त। ओके मेरे बॉस, इंट्रो लगाता हूँ। ओ भाई, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हो। चलो इंट्रो लगाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है पॉक फ्राइडे, जो कि मेरा ही सेकंड चैनल है। तो अभी तक आपने उसे ये सब्सक्राइब नहीं किया क्या? नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम वहाँ पोकेमोन से जीजे गेम प्ले प्लस पोकेमोन की हॉरर स्टोरी आपके लिए लाते हैं। और हाँ, A1 डबल पार्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि हमारी ही डबल पार्टी है। यहाँ पे हम पोकेमोन के अमेजिंग एपिसोड डब करते हैं आपके लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे पोकेमोन जनरेशन एंड पोकेमोन एवोल्यूशन, जो बिल्कुल न्यू एनिमेटेड सीरीज है, वो हिंदी डब में आपको मिल रही है, तो ज़रूर से चेकआउट करना। और हाँ, A1 डबल पार्टी के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको पोकेमोन एवोल्यूशन और जनरेशन वहीं मिलेंगे। और हाँ, पोकेमोन एवोल्यूशन यूट्यूब पर भी मिल जाएगा हिंदी में आपको, A1 डबल पार्टी में। प्लस मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार। तो ऐसे पहले जो फ्रेंड है वो है मिस्टी। तो मिस्टी एक ऐसी फीमेल कंपेनियन है इसकी, जो सबसे ज़्यादा फैंस के साथ अच्छा करती है, यानी कैंटो जोटो, और फिर हॉइन में भी अपेरेंस दी है, और साथ में अलोला रीजन्स में भी। और मिस्टी की एज है 13, यानी एज सब 10 साल का था, तब मिस्टी 13 साल की थी। और हाँ, मिस्टी बग पोकेमोन से ज़्यादा डरती है, और साथ में गैराडोस से भी। फिर भी उसके पास एक गैराडोस है, ब्रॉक। तो ब्रॉक एज का ऐसा फीमेल मतलब मेल करेक्टर है जो ऐसे साथ ज़्यादा रीजन ट्रेवल किया, जैसे कैंटो जो तो हॉइन सिनो और फिर अलोला रीजन में एंट्री। और ब्रॉक की एज 14 साल की थी कैंटो में, यानी वो ऐसे 4 साल का बड़ा था, तभी तो वो जिम लीडर था। ट्रेसी एस का ऑरेंज लीग में साथी बना था। ट्रेसी का पूरा नाम है ट्रेसी स्केचेस, तभी उसे स्केच बनाना पसंद है। और उसकी उम्र है 12, यानी ऐसे 2 साल बड़ा था। और ट्रेसी जो था ना, वो ब्रॉक का रिप्लेस था, फिर भी ब्रॉक के जैसा नहीं जाना, इसलिए उसे भी रिप्लेस कर दिए। मे एस की हॉइन, मतलब हॉइन से मे आई थी, और ये इकलौती ऐसी पॉकीगल है जो एस की तरह ही अपने हाथों में ग्लव पहनती है। मे मैक्स ऐसा पहला एस का वो था ट्रैवलर, जो 7 साल का था और इतनी छोटी उम्र में एस के साथ सफ़र किया था। और हाँ, साथ में इसके डैड जिम लीडर हैं, और मैं इसके साथ ही जाती थी, जो इसकी बहन थी। नेक्स्ट डॉन। तो डॉन को तो आप जानते होंगे, यही इकलौती ऐसी पॉकी गर्ल नहीं कह सकते, मतलब यही ऐसी पॉकी गर्ल है जिसके पास एस के जैसे ही सेम पोकेमोन है, जो कि है कुलाबा, और हमारे एस के पास भी है कुलाबा। इससे पहले मैं भी थी, जिसके पास था एक स्कॉटल और बल्बसॉर, लेकिन सिन्हो में जब वो आए बल्बसॉर वीनसॉर बन गया था, स्कॉटल या टॉटल, इसलिए अब ओनली ऑन अभी डॉन ही है। आयरस। तो आयरस अभी पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट तो चल ही रहा है टीवी में, तो यहाँ आयरस का टाइटल लेके काफ़ी अच्छा होगा कि आयरस मतलब ऐसा फ्रेंड है जो चैम्पियन है, यानी आयरस के क्लॉटिक, और आयरस की उम्र है 12 साल। तो नेक्स्ट है साइलेंट। साइलेंट एक जिम लीडर है, और ये ग्रास टाइप का जिम लीडर है, और इसकी उम्र है 16, जो काफ़ी ज़्यादा थी पोकेमोन एनिमी में सकती। वैसे क्लेमेंट भी इस मामले में काफ़ी तेज है, तो हम अभी बात क्लेमेंट की कर रहे हैं। तो इसकी उम्र है 15 साल, और ये भी एक जिम लीडर है इलेक्ट्रिक टाइप, और ये ऐसा पहला मतलब पोकेमोन कैरेक्टर था इसका फ्रेंड, जो कि चश्मा लगाता था। हाँ, ये फैक्ट मैंने खुद से ही बना लिया। तो ये भी ब्रॉक और साइलेंट की तरह अपने बैग में कुछ भी रख सकता, बड़ी बड़ी मशीनें। नेक्स्ट है मोनी, जो कि क्लेमेंट की छोटी बहन है, और ये मैक्स से 1 साल बड़ी है, ये 8 साल की थी। ये सेकंड ऐसी कैरेक्टर थी, लिविंग कैरेक्टर, जो ऐसे साथ सफर की थी, और हाँ, ये अपने साथ एक लेजेंडरी पोकेमोन भी कैरी की थी, जो था जायगार्ड का सबसे छोटा फॉर्म। नेक्स्ट सबसे फेवरेट सरीना। तो सरीना मतलब क्या कहें सरीना के बारे में, ये तो सबको ही पसंद होगी, नहीं सबकी फेवरेट होगी। तो यही इकलौती ऐसी पॉकी गर्ल है जिसने
एनी ने अपना लुक चेंज किया है, लुक चेंज किया है। पहले इसके बाल कुछ ऐसे थे, फिर इसे अपने बाल काट लिए, ऐसे हो गई। तो यही थे करीना का फैस। अब चलते हैं अलोला रीजन। अलोला रीजन में लिली, जिसकी उम्र थी 11 और हाँ करीना की 12 थी, यानी वो ऐसे 2 साल बड़ी थी लिली। और हाँ, ये फर्स्ट ऐसी कंपेनियन थी लिली एस की, जिसका भाई जो एस का राइवल था, जो था गोल्ड लिली का। नेक्स्ट लाना। तो लाना की फेवरेट पर्सनैलिटी है वाटर टाइप, जो कि बिल्कुल मिस्टी की तरह है, और इसे भी वाटर पोकेमोन पसंद है मिस्टी की तरह ही। और हाँ, इसकी उम्र भी है 11 साल। और लाना का पूरा नाम है लाना सुरेन सुक्रेन, हाँ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, चलो माइलो। तो माइलो भी अलोला रीजन में है, इसकी उम्र भी है 11 और इसकी टाइपिंग है ग्रास। अब चलते हैं उस पर चो, ये मोटा बच्चा, जो कि ये भी 11 साल का है और इसकी फेवरेट टाइपिंग है इलेक्ट्रिक, और इसका ज़्यादा बस पोकेमोन भी है। हाँ, इसे चीज़ों को खोलना पसंद है, जो अलोला रीजन देखेगा वो समझ जाएगा, ये पिकाचू हमेशा खोलने के लिए तैयार रहता था। नेक्स्ट है कवाई। तो ये 11 साल का है और एज की तरह इसके पास भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट चारिजाट है, लेकिन ये अपने चारिजाट को चेयर मूव से कमाल ही धमाल कर लेता है। और हाँ, मेगा चारिजाट वाई बनाता है हमेशा। तो दोस्तों, यही थे एज के कुछ फ्रेंड यानी एनिमी में। ओ बॉस, अभी एक और फ्रेंड बचा है। कौन? वो नल्ला गो, जो पॉकीबॉल फेंक फेंक के किसी पोकेमोन को पकड़ लेता है, जो सीकून और एटर्नस को भी पकड़ रखा है। हाँ, उसी लेजेंडरी ट्रेनर की बात हो रही है। तो गो ही है इसका एक ऐसा मेन फ्रेंड है, जिसके पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि है साइकून। पता नहीं वो उसका यूज क्यों नहीं करता, कहाँ फेंक दिया है। और हाँ, ऐस की तरह ही गो के पास भी एक साइनी पोकेमोन है, जो कि है साइनी वॉल्टॉग, और ऐस के पास है साइनी नॉकटावल। तो हो गया खत्म ना चार्ली? नहीं, अभी एक और है, कुहारू। ओ हाँ, तो कुहारू शायद गो की बहन भाई कुछ भी हो, जो भी हो, उसके पास एक ईवी है जो एवोल्यूशन मतलब विकसित नहीं हो सकती। जहाँ हमने देखा है कि ईवी साथ साथ रूपों में विकसित हो सकती है, पर उसकी ईवी किसी भी में नहीं हो सकती। ईवी 8 रूप में विकसित हो सकती है, ओ माफ करना 8। तो यही थी आज की हमारे फ्रेंड से वीडियो ऐसी। तो अभी एड्स के, अभी एड्स के और भी फ्रेंड है पोकेमोन की मूवीज में और पोकेमोन के अलग से एपिसोड में, पोकेमोन मांगा में। तो इन सब को हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी से लाइक एंड कंप्लीट कर देना, जो कि है 50 लाइक एंड सब्सक्राइब एंड 500 सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पोकेमोन फैंस बने रहें ऐसे ही। लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, पता नहीं पार्ट 2 कितना बड़ा होगा।